आज हम आपके सामने खामोश फिल्मों के दौर की नामवर अदाकारा सुशीला का जिक्र करेंगे। हसीन व जमील अदाकारा सुशीला का असल नाम मोतीबाई था। 1925 में बम्बई के एक फिल्मी इदारे महाराष्ट्र फिल्म कंपनी में मुलाजम हुई और इस इदारे की खामोश फिल्म राणा हमीर में बी यादव के साथ बतौर हीरोइन काम किया। इस फिल्म के हदायतकार बाबू राव पेंटर थे। उसके बाद सुशीला ने महाराष्ट्र की कई फिल्मों मुरलीवाला और मधुसूदन नीताजी पालकर सीती सावित्री और किरण दी ट्रैवल्स में बी यादव के साथ मरकजी किरदार अदा किए। इनके अलावा सुशीला ने कोहिनूर फिल्म कंपनी की फिल्म वाई गो स्त्रे में खलील, ब्रिटिश इंडिया फिल्म कंपनी की फिल्म सती मंदूरी में लक्ष्मण राव, नेशनल फिल्म कंपनी की फिल्म थीफ ऑफ इराक में मास्टर बसंत और जनरल पिक्चर कॉरपोरेशन की फिल्म लीला द स्टार ऑफ मंगरेला में मारुति राव के साथ मरकजी किरदार अदा किया। 1931 में सुशीला इंपीरियल फिल्म कंपनी में आ गई और इस इदारे की एक खामोश फिल्म खुदा की शान में सलोचना और मुबारक मर्चेंट के साथ बतौर सेकंड हीरोइन काम किया। इस फिल्म के हदायतकार आर एस चौधरी थे। बोलती फिल्मों का दौर शुरू हो जाने के बाद सुशीला ने इंपीरियल की पहली बोलती फिल्म आलम आरा में जुबैदा और मास्टर विठल के साथ बतौर मुआविन अदाकारा काम किया। इस फिल्म के हदायतकार उर्शेर एम ईरानी और मौसीकार फिरोज शाह मिस्त्री थे। 1932 में सुशीला ने सागर मोविटून की एक फिल्म बुलबुल बगदाद में मास्टर बच्चू के साथ बतौर हीरोइन काम किया। इस फिल्म के हदायतकार नानो भाई वकील थे। 1934 में सुशीला ने बलवंत पिक्चर की धार्मिक फिल्म कृष्ण अर्जुन युद्ध में निर्मला देवी और दीना नाथ और कुमार मोविटून की फिल्म मस्त फकीर में मिस मोती और शिराज के साथ काम किया। फिल्म कृष्ण अर्जुन युद्ध के हदायतकार कोलितकर बेदकर, जबकि फिल्म मस्त वकील के हदायतकार डी एन मधोक थे। इनके अलावा सुशीला ने मैडन थिएटर के बैनर तले कलकत्ता में बनने वाली एक फिल्म हमान में एस केरावाला के साथ बतौर हीरोइन काम किया। इस फिल्म के हदायतकार एस केरावाला और मौसीकार नागरदास थे। 1935 में सुशीला ने सुधा पिक्चर्स की एक फिल्म किस्मत की भूल में लीला और न्यामपली के साथ बतौर सेकंड हीरोइन काम किया। इस फिल्म के हदायतकार डी के काले और मौसीकार एस मंजरीकर थे। 1936 में सुशीला ने कैपिटल सिनेटोन के बैनर तले लाहौर में बनने वाली एक फिल्म रेडर्स ऑफ द रेल रोड और रैनबो फिल्म्स की एक फिल्म कजाक की लड़की में बिब्बो और सुरेंद्र के साथ काम किया। रेडर्स ऑफ द रेल रोड के हदायतकार एच एस काकरा और मौसीकार दयाल गोस्वामी, जबकि कजाक की लड़की के हदायतकार सरदार खलील और मौसीकार बिब्बो इशरत सुल्ताना थी। सुशीला ने ताज प्रोडक्शन की फिल्म जनमुरीद में सितारा और सादिक अली के साथ बतौर मुआविन अदाकारा काम किया। इस फिल्म के हदायतकार ए एच ईसा और मौसीकार शांति कुमार थे। 1940 में सुशीला ने कॉस्मोपॉलिटन प्रोडक्शन के बैनर तले कलकत्ता में बनने वाली एक फिल्म याद रहे उस यंग इंडिया में अख्तर नवाज के साथ बतौर हीरोइन काम किया। इस फिल्म के हदायतकार एन बलचंद दानी और मौसीकार धूमी खान थे। सुशीला देवी की ये आखिरी फिल्म थी जिसकी तकमील के बाद वो फिल्मी सनत से अलग हो गई थी। सुशीला देवी का आलम शहबाब में हदायतकार और नगमा निगार डी एन मधोक के साथ रोमांस बहुत मशहूर हुआ था। शुक्रिया।